Learning with Raps। आज हम करेंगे यूनिट सेकंड स्टैंडर्ड का बाल भारती टेक्स्ट बुक का हम करेंगे यूनिट 2.5 लैंग्वेज स्टडी। और आज ये लैंग्वेज स्टडी है, यहाँ पर लिखा है ये शब्द है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ये है हिंदी में विशेषण, किसी संज्ञा के विशेष गुण गिनाना। विशेषण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण। तो अब यहाँ पर पहला सेंटेंस वाक्य हम पढ़ेंगे, अ मैंगो इज येलो इन कलर, इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस आम की, यहाँ पर लिखा है कि आम पीला है और आम बहुत मीठा भी है। तो यहाँ पे ये जो दो शब्द हैं येलो और स्वीट, ये हमें आम के विशेष गुण बता रहे हैं, विशेषण। तो ये आम को जो है इंग्लिश में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये है एडजेक्टिव्स। तो यहाँ ये दो वाक्यों में येलो और स्वीट होते हैं एडजेक्टिव्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब फिर दो सेंटेंसेस लिखे हैं, अभी गुलाब के बारे में बता रहे हैं। अ रोज इज रेड, यानी कि गुलाब लाल है। इट इज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। तो ये किसके विशेष गुण बता रहे हैं, किसके बारे में? रोज के बारे में, इस गुलाब के बारे में, विशेषण एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे ये जो दो शब्द हैं रेड और ब्यूटिफुल, ये हैं एडजेक्टिव्स। फिर यहाँ पे हम आते हैं अगले पिक्चर पर, अगले चित्र पर। यहाँ पर है फोर पेंसिल्स, चार पेंसिल्स, दीज आर फोर पेंसिल्स। कितने पेंसिल्स हैं? चार। तो किसके बारे में बता रहे हैं? पेंसिल्स के बारे में। तो फोर हो जाते हैं हमारा एडजेक्टिव। फिर हम आते हैं वी यूज शार्प पेंसिल्स टू राइट, फिर ये पेंसिल्स के बारे में हमें बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शार्प। तो ये जो शार्प है वो है एक एडजेक्टिव, यहाँ पर शार्प जो हो जाता है वो एडजेक्टिव है। अब हम अगले वाक्य की तरफ आते हैं, अ डॉग इज अ क्लेवर एंड लॉयल एनिमल। तो अब हम ये डॉग के बारे में बात करें, इस कुत्ते के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है अ डॉग इज अ क्लेवर एंड लॉयल एनिमल। तो ये जो दो शब्द हैं क्लेवर और लॉयल, हमें कुत्ते के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। ये दोनों शब्द यहाँ पर इस वाक्य में है एडजेक्टिव्स। अब आगे क्या लिखा है, वर्ड्स इन बोल्ड डिस्क्राइब अबाउट ईच आइटम, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हमने सीखा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव्स, शब्द जो किसी संज्ञा के बारे में हमको बता रहे हैं, किसी नाउन के बारे में हमको बता रहे हैं, तो वो हो जाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। फिर आगे हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, यहाँ पर जो है ए, मैच द फॉलोइंग। मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है शार्प, जो ऊपर चित्र थे उसी के बारे में वर्णन करें, शार्प पेंसिल, क्लेवर डॉग, स्वीट मैंगो, रेड रोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो है हमारा पेज नंबर 25। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बी, एक्सरसाइज बी, यूजिंग द गिवन पिक्चर्स राइट द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड From the words given in the box, ये जो box है इसमें से हम वो सही शब्द चुनेंगे जो इस चित्र का सही वर्णन करे, विशेषण adjective बताए। So this is a big ball, हम यहाँ से चूज करेंगे big, big ball। दूसरा an apple is red, तो हम यहाँ लिखेंगे red in color। आगे चलते हैं, नीचे है He is an old man, हम ऊपर से सुनेंगे old। फिर आगे These are eight bananas, और लास्ट शब्द जो ऊपर बॉक्स में दिया हुआ है This is a green parrot। तो ये सब जो अलग अलग adjectives हैं, विशेषण हैं, इनको हम चित्र अनुसार इन वाक्यों में लिखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं
एक्सरसाइज सी पर। एक्सरसाइज सी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ब। फिर हमें यहाँ पर एडजेक्टिव्स यानी विशेषण यूज करके इस वाक्य को पूरा करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर डैश फॉर हेल्थ, तो हम क्या लिखेंगे? गुड फॉर हेल्थ। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, सो गुड फॉर हेल्थ। दूसरा वाक्य, देयर आर डैश स्टार्स इन द स्काई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैनी, आसमान में बहुत तारे हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। फिर यहाँ लिखा है थर्ड तीसरा वाक्य, एंट्स आर वेरी डैश, हम लिखेंगे एंट्स आर वेरी टाइनी यानी कि बहुत छोटे। फोर्थ, आई हैव अ डैश पेन, अब मैंने यहाँ पर लिखा है रेड, आप चाहे तो आप अपना कलर अलग यूज कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ बिग पेन, स्मॉल पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, सभी पेन के बारे में बता रहे हैं, तो सभी होंगे एडजेक्टिव और सभी करेक्ट होंगे, तो आप उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, मैंने यहाँ रेड लिखा है। फिर हम आगे चल के इनको सही तरीके से बोलना सीखेंगे, सही उच्चारण सीखेंगे। पहला शब्द है येल्लो, येल्लो। दूसरा शब्द स्वीट, स्वीट नहीं स्वीट। रेड, ब्यूटीफुल, 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 या अगर उसको ब्यूटीफुल कहें या ब्यूटीफुल कहें, बुद्धिफुल कहें तो रॉन्ग है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फोर, इसको फॉर नहीं कहना है, फोर, F O U R, फोर माइने चार, फोर। फिर शार्प, शार्प, शार्प नहीं, शार्प, शार्प। फिर हम कहेंगे क्लेवर, और लास्ट शब्द है लॉयल, लॉयल नहीं लॉयल। और इस तरह हम कंप्लीट करते हैं अपना यूनिट 2.5 लैंग्वेज स्टडी, यूनिट 2.5 लैंग्वेज स्टडी। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.